उत्तर प्रदेश में 11 जिलों की 58 सीटों पर पहले चरण में मतदान खत्म हो चुका है। शाम 6 बजे तक यूपी में 57.79% से अधिक मतदान हुआ। जिन 58 सीटों पर वोट डाले गए 2017 में उनमें से 53 सीटें बीजेपी पर थीं। पहले चरण में योगी सरकार के 9 मंत्री भी मैदान में रहे और उधर आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी मतदान से चूक गए। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक हुआ। कोरोना के चलते वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने 1 घंटे का समय बढ़ाया। पहले चरण में 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। 58 सीटों में से 12 सीटें संवेदनशील थी और ये सीटें खैरागढ़, फतेहाबाद, आगरा दक्षिण, बाह, छाता, मथुरा, सरदना, मेरठ शहर, छपरौली, बड़ौद, बागपत और कैराना। पहले चरण में 898 मोहल्ले और 5,535 पोलिंग सेंटर संवेदनशील रखे गए थे। सबसे ज्यादा कैराना और सबसे कम साहिबाबाद में वोटिंग हुई। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 58 सीटों पर 11 जिलों के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हापुड़, मथुरा, बागपत, बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़, मेरठ की ये तस्वीरें हैं। समीकरण पर चुनाव नहीं लड़ते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हम चुनाव लड़ते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को 36 बिरादरी का वोट मिलता है, ना कि किसी एक बिरादरी का मिलता हो। भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर पर चुनाव लड़ रही है। लॉ एंड ऑर्डर हमने चुस्त दुरुस्त किया है और हमने सड़कें बनाई। आप जिस हाईवे से आए होंगे सरदना में तो आपको एहसास हुआ होगा, कुछ सड़कें ये इतनी इतनी सी सड़कें हुआ करती थी। 1,000 करोड़ की लागत से यहाँ यूनिवर्सिटी बन रही है। 80 गाँव में पानी के ओवर हेड टैंक बन रहे हैं विद सोलर प्लांट, विद आर ओ प्लांट। वो करीब 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 2,000 करोड़ के काम हमने सरदना विधानसभा में कराए। मैंने जनता को कहा है कि देखिए, पिछले 5 साल में आपने सुशासन देखा है भारतीय जनता पार्टी का और कानून व्यवस्था कितनी सुदृढ़ हुई है। अब जो है इस सरकार को अगले 5 वर्ष आप अवसर दें तो निश्चित रूप से जो आपकी अपेक्षाएं अभी बाकी हैं वो अवश्य पूरी होंगी। 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हम लोग खड़े हैं और नया विश्वास के साथ, नए उत्साह के साथ, नई आकांक्षाओं के साथ ये चुनाव हो रहा है, नई अपेक्षाओं के साथ ये चुनाव हो रहा है। और इस चुनाव में हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले इतिहास को रिपीट नहीं, उससे भी आगे बढ़कर हम सफलता प्राप्त करेंगे। ये चुनाव बहन बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा चुनाव है। यह चुनाव उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य से जुड़ा चुनाव है। यह चुनाव जो हमारे उत्तर प्रदेश के छोटे बच्चे हैं उनको बेहतर भविष्य देने वाला चुनाव है। घर की सुरक्षा से लेकर राष्ट्र की सुरक्षा तक ये चुनाव है। हमारी सरकार ने काम किया है, हमारी सरकार काम कर रही है और आगे भी हम काम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकल के वोट करें और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और देश को आगे ले जाने के लिए वोट करें। सामने जो विपक्ष जिस तरीके की पॉलिटिक्स करती है, मुझे लगता है कि उसी तरफ योगी आदित्यनाथ जी ने इशारा किया है। इसीलिए मेरा सबसे आग्रह है कि अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी जो आध्यात्मिक शक्ति है हमारे देश की, जो हम सब लोगों को बनाकर जोड़कर रखती है, उसको भी बढ़ाने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए भी आवश्यक है कि आज निकलकर वोट जरूर करें। मैं करहल का प्रत्याशी होने के बावजूद आगरा लोकसभा में मतदान करने के लिए आगरा दक्षिण में योगेंद्र उपाध्याय जी भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में आना मैं ये दर्शाता है कि मत का प्रयोग कितना महत्वपूर्ण होता है। जब मैं अपनी विधानसभा में लोगों से कह रहा हूँ कि मत का प्रयोग कर रहे हैं तो मैं वहाँ कन्वेंसिंग में आधा घंटा लेट पहुँच जाऊँगा, लेकिन मैं ANI के माध्यम से सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि